अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी वे में आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर मैं चिकन मंचूरियन ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी। ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है और साथ में 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। चिकन लिया है 1 kg और उसे मैंने क्यूब साइज़ में कट कर लिया है, बिल्कुल बाइट साइज़ बनाना है आपने। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। साथ में मैं शामिल करूंगी 1 अदद एग और इसे भी क्रैक करके इसमें शामिल कर देंगे और इसका एक ज़बरदस्त सा हम बैटर बना लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कम क्वांटिटी में मंचूरियन बनाना तो आप लोगों को काफ़ी लोगों ने सिखाया होगा, लेकिन मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको दावतों वगैरह में बनाना है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। इस बैटर को तकरीबन 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में मैरिनेट करके रख देंगे। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, उसमें 1 by 1 आपने चिकन के तमाम पीसेस को फ्राई कर लेना है, अच्छी तरह से कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इतना आपने कुक करना है कि चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आ जाए। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा उसे अलग से प्लेटर में निकाल लेंगे एंड मेक श्योर इसे बच्चों की पॉइंट से दूर रखें, क्योंकि ये इतना टेस्टी बना है कि आपके बच्चे इसे खाए बगैर रह नहीं पाएंगे। आप उनके लिए अलग से बना सकते हैं, इसी तरह से उनके लिए टेंडर उनके लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, क्यों नहीं। तो जनाब, चिकन मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है और अब हम इसकी सॉस बनाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप भर के केचप का लिया है, टोमेटो केचप का, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस। अब इसमें मैंने ऐड कर दी है 4 टेबलस्पून सोया सॉस और जितनी भी चाइनीज़ सॉसेज़ हैं आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर आए, 4 टेबलस्पून ही इसमें मैंने विनेगर यानी सिरका भी ऐड कर दिया है और 4 टेबलस्पून ही इसमें मैं डाल दूँगी चिली सॉस, जिसे रेड हॉट सॉस भी कहते हैं। सॉसेस ऐड करने के बाद इसमें स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट डाला है 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, और इसमें 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च जाएगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रख लेंगे। अगर ये पहले से ही बैटर बना कर रखेंगे तो मंचूरियन बनाना बहुत ही ईजी है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और ऑयल गरम करने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जितने भी चाइनीज़ खाने होते हैं उनमें गार्लिक का लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, उससे बहुत फ्लेवर इन्हांस होते हैं। 1 अदद हरी मिर्च को भी मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। कुछ सेकेंड के लिए इसको भी स्टिर फ्राई करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो हमने सॉसेस का बैटर बना कर रखा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं आपने कुक करना, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड होती हैं। जो केचप और चिली गार्लिक सॉस है उसे ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें 1.5 लीटर यखनी ऐड की है, क्योंकि मुझे सॉस ज़्यादा क्वान्टिटी में बनानी है, तो इसलिए मैं दावत के लिए बना रही हूँ, मतलब दावतों में इसी तरह बनाती हूँ। तो 1.5 लीटर मैंने इसमें यखनी ऐड कर दी है। अब इसको प्यारा सा कलर देने के लिए रेड फूड कलर मैंने मिक्स करके पहले से ही रखा हुआ है और एकदम से सारा नहीं डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी जब तक कि मेरा रिक्वायर्ड कलर नहीं आ जाएगा। और आप भी बिल्कुल आहिस्ता से शामिल कीजिएगा, इसको एकदम से डालने से इसका कलर बहुत डार्क हो सकता है। जैसे ही मेरा पसंदीदा कलर आ गया तब मैंने इसमें शुगर ऐड की, 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने शुगर ऐड की है, और फिर मुझे 2 टेबलस्पून और ऐड करनी पड़ी थी, क्योंकि बेसिकली मंचूरियन का फ्लेवर जो होता है वो स्वीट एंड सावर होता है, खट्टा मीठा सा फ्लेवर होता है, इसीलिए शुगर इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अब मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और उसकी एक स्लरी सी बना कर रख ली है, और मैं इसे ग्रेजुअली ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, और साथ में चम्मच कंटिन्यूसली चलाती जाऊँगी ताकि कोई लम्स नहीं बने, और तब तक ऐड करूँगी जब तक कि ये गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। तो जैसे ही मेरी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो मैं इसका फ्लेम हाई करके इसे कुक करूँगी, और देखें बेहतरीन ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है।
5 to 10 मिनट तक इसे इसी तरह से कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे। और इसके बाद जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और जो हम लोग वेडिंग्स में खाते हैं, शादियों में खाते हैं, वो भी बेसिकली यही रेसिपी फॉलो करते हैं। और जनाब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। और देखें, बहुत ही झटपट क्विक सी रेसिपी है, जल्दी से बन के रेडी हो गई है। अब इसे गार्निश किया है मैंने स्प्रिंग अनियन के साथ। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को कर दें लाइक, और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट देते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम सर्व करते हैं एग फ्राइड राइस के साथ, और वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक वॉच नहीं की उनके लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस रेसिपी एंड डू ट्राई दिस एट होम एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव ट्राइड दिस रेसिपी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी इज ikra.zeeshan24। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब मी येट, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।